हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कॉम्पिटिशन्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज 8 जून 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कॉम्पिटिशन्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कॉम्पिटिशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही साथ मैं अनअकैडमी ऐप पर एजुकेटर हूँ। अनअकैडमी ऐप पर मेरे द्वारा राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के समाचार। क्वेश्चन संख्या एक, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 जून, 5 जून को। ऑप्शन बी 7 जून, 7 जून को। ऑप्शन सी 10 जून, 10 जून को। और ऑप्शन डी 15 जून, 15 जून को। मेरे प्यारे साथियों, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 जून 2000 को मनाया जाता है, 7 जून, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 7 जून। साथियों, इस वर्ष के थीम की यदि बात की जाए, यानी कि थीम जो थी इस वर्ष की वो क्या थी, तो जो इस बार का विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस था उसकी थीम जो थी, थीम थी फूड सेफ्टी, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। तो इस जो 2019 की जो थीम थी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की, वह थीम थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। क्वेश्चन संख्या सेकंड, हु विल बी अपॉइंटेड एज द चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ विप्रो ऑफ द आईटी इंडस्ट्री अजीज प्रेम जी। आईटी उद्योग के आइकन अजीज प्रेम जी के विप्रो के कार्यकारी अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य रणनीति अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? ऑप्शन है ऑप्शन ए ऋषभ प्रेम जी, ऑप्शन बी अभी दली जैड नीमच वाला, ऑप्शन सी विवेक प्रेम जी, ऑप्शन डी दीपक प्रेम जी। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर है ऋषभ प्रेम जी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऋषभ प्रेम जी। साथियों, एक लंबा अनुभव प्राप्त करने के बाद अजीज प्रेम जी जो हैं वो 30 जुलाई 2019 को अपने पद से रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने 53 वर्ष तक विप्रो को संभाला। वह गैर कार्यकारी निदेशक और संस्थापक अध्यक्ष के रूप में बोर्ड को अपनी सेवाएं फ्यूचर में भी देते रहेंगे। और इनमें से अभी दली जैड नीमच वाला को उन्होंने सीईओ एवं प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 3, एनालिसिस ऑफ ट्रैफिक कंजेक्शंस इन मोर देन 400 सिटीज ऑफ 6 कंटिनेंट्स ट्रैफिक इंडेक्स विच सिटी हैज गोट द फर्स्ट प्लेस इन 2018। 6 महाद्वीपों के 400 से अधिक शहरों में यातायात भीड़ के विश्लेषण ट्रैफिक इंडेक्स 2018 में किस शहर को प्रथम स्थान मिला है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी हैदराबाद। और इसका सही उत्तर है मुंबई, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मुंबई। और दिल्ली को जो पोजीशन मिली है वो है 4th पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेल्थ मिनिस्टर हैज चेयर्ड ए हाई लेवल मीटिंग टू रिसीव द स्टेटस ऑफ द रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम आरएनटीसीपी इन न्यू दिल्ली। हु इज द प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर? स्वास्थ्य मंत्री ने नई दिल्ली में संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। वर्तमान में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है?
ऑप्शन ए डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन बी प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन सी जगत प्रकाश नड्डा, ऑप्शन डी जितेंद्र सिंह। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 5, विच ऑफ दीज हैज स्वॉर्न इन एज चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। इनमें से किसने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? ऑप्शन ए जस्टिस रंजन गोगोई, ऑप्शन बी जस्टिस दीपक मिश्रा, ऑप्शन सी जस्टिस धीरूभाई नारन भाई, ऑप्शन डी जस्टिस केहर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जस्टिस धीरूभाई नारन भाई, न्यायमूर्ति धीरूभाई नारन भाई। इन्हें दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 6, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप द 8th एडिशन ऑफ 2019 विल बी हेल्ड फ्रॉम व्हेन एंड फॉर। फीफा महिला विश्व कप 2019 का 8वां संस्करण कब से कहां आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए इन फ्रांस फ्रॉम जून 7th, 7 जून से फ्रांस में। ऑप्शन बी इन अफ्रीका फ्रॉम 9th जून, 9 जून से अफ्रीका में। ऑप्शन सी इन इंडिया फ्रॉम 7th जून, 7 जून से भारत में। और ऑप्शन डी इन श्रीलंका फ्रॉम 9th जून, 9 जून से श्रीलंका में। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर है 7 जून से फ्रांस में, इन फ्रांस फ्रॉम 7th जून। और ये 7 जून 2019 से 7 जुलाई 2019 तक खेला जाएगा। तो साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशन चैनल, और साथ ही साथ हमें अनअकैडमी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।